एक फौजी जो मौत के बाद भी सरहद पर है तैनात। मौत के 50 साल बाद भी देश की कर रहा है सुरक्षा। हर साल प्रमोशन भी लेता है ये फौजी। मिलिए बाबा हरभजन सिंह से। जी हाँ, ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है बल्कि सिक्किम बॉर्डर पर तैनात बाबा हरभजन सिंह की कहानी है। गैंगटॉक के जेलेपला दर्रे और नाथुला दर्रे के बीच 13,000 फीट की ऊंचाई पर बाबा हरभजन सिंह का मंदिर है। यहाँ मान्यता है कि बाबा की आत्मा यहाँ सरहद की हिफाजत में दिन रात तैनात रहती है। हरभजन सिंह का जन्म 30 अगस्त 1946 को गुजरावाला में हुआ। हरभजन सिंह 24वीं पंजाब रेजिमेंट के जवान थे। 1966 में हरभजन सिंह सेना में शामिल हुए। 1968 में एक हादसे में हरभजन सिंह की मौत हो गई। 2 दिन तक हरभजन सिंह का शव नहीं मिला। बताया जाता है कि जब बाबा का शव नहीं मिला तो वो खुद एक सैनिक के सपने में आए और हादसे की जगह बताई। सुबह जब हुई तो जाकर देखा गया तो उनका शव वहां पड़ा था। इसके बाद उनका अंतिम संस्कार किया गया। हरभजन सिंह के इस चमत्कार के बाद साथी सैनिकों की उनमें आस्था बढ़ गई और उन्होंने उनके बंकर को एक मंदिर का रूप दे दिया। हालांकि जब बाद में उनके चमत्कार बढ़ने लगे और वो विशाल जनसमूह की आस्था का केंद्र हो गए तो उनके लिए एक नए मंदिर का निर्माण किया गया जो कि बाबा हरभजन सिंह मंदिर के नाम से जाना जाता है। बाबा हरभजन सिंह को लेकर यहाँ इतनी आस्था है कि मौत के सालों बाद भी उन्हें बकायदा पेंशन दी जाती है। यहाँ तक कि नियमित तौर पर उनका प्रमोशन भी होता है। कुछ दिनों पहले तक तो 2 महीने की छुट्टी में उन्हें घर भी भेजा जाता था। इसके लिए कुछ जवान उनका सामान लेकर उनके गांव उन्हें छोड़ने जाया करते थे। लेकिन कुछ सालों पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस परंपरा पर रोक लगा दी। अब बाबा साल के 12 महीने ड्यूटी पर रहते हैं। मंदिर में बाबा का एक कमरा भी है जिसमें प्रतिदिन सफाई कर बिस्तर लगाए जाते हैं। बाबा की सेना की वर्दी और जूते रखे जाते हैं। बाबा के प्रति सेना के जवान ही नहीं बल्कि आम लोगों के बीच भी आस्था इतनी है कि बाबा के नाम पर यहाँ भव्य मंदिर बनवाया गया है और लोग उनके दर्शन करने के लिए आते हैं। वीडियो डेस्क, अमर उजाला.com।